नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। चट्टानी नमक के लिए भारत को अब बाहर से आयात की नहीं रहेगी जरूरत। सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि मंडी जिले के ड्रंग और गुम्मा नमक खानों के खुलने से समूचा देश लाभान्वित होगा। ड्रंग के विधायक आदरणीय जोहार ठाकुर जी और बाकी अगर हमारे सम्माननीय विधायक जुड़े हैं और इस बैठक में हमारे जिलाधीश श्री ठाकुर जी, सभी पदाधिकारी अधिकारीगण, सभी संबंधित कर्मचारीगण और मैं जोगिंदरनगर में हूँ, यहाँ के एसडीएम मेहरा जी, बीडीओ साहब और इस बैठक के माध्यम से सभी जो महत्वपूर्ण दायित्ववान अधिकारीगण जुड़े हैं, मैं उनका भी इस बैठक में स्वागत करता हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जिसमें केंद्र की योजनाएं जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही हैं, जिन महत्वपूर्ण योजनाएं से आम व्यक्ति को लाभ मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति को सरकार ने ढूंढकर उस राज्य पर ला खड़ा है जहां से कई सुविधाएं जो वर्षों से वो वंचित थे वो सुविधाएं दी जा रही हैं। आज उसी के संबंध में बैठक थी तो बहुत अच्छी बैठक रही, विस्तार से जानकारियां भी आई हैं, लेकिन मेरा अधिकारियों से आग्रह रहेगा कि ये योजनाएं छोटी हैं, गरीब की योजना है, इसका प्रचार भी इतना नहीं हो पाता, लेकिन जिन गरीबों को आज़ादी के बाद ये सारी योजनाएं मिली हैं, उज्ज्वला योजना, पेंशन जो अटल पेंशन योजना, ये सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत, इन योजनाओं से वर्षों से वो लोग अपेक्षा करते थे कि घर द्वार उनको ये सुविधा मिले, आज ये सुविधा मिली है। और हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री लगातार प्रयत्नशील हैं कि तमाम केंद्र की योजनाओं को घर द्वार तक पहुंचाएं। सारे अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे अन्य सारी योजना हो जिनकी विस्तृत जानकारी मिली है, तो मैं चाहूँगा इसमें और गति पकड़े और आम व्यक्तियों को लाभ मिले। दूसरी महत्वपूर्ण इस बैठक में विषय रहा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का सत्र का शुरू होना। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने लगातार प्रयत्न किए, आज वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी, देश की नौवीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी, आज उसकी क्लासें शुरू होने वाली है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा था ये जो हमारी गुम्मा नमक खाने थी, द्रंग की खाने थी, जिनके लिए वर्षों से इंतजार हो रहा था कि वो खाने चलें। 5 साल पहले इसके लिए प्रयत्न हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने राशि जारी की, लेकिन जिस तरह ये खाने चलनी चाहिए, लेकिन आज पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का जिन्होंने प्रयत्न किए, आज ये द्रंग की नमक खान का बिल्कुल जिसे कहते कि नए सिरे से इसका शुभारंभ होगा और यहाँ नमक पर आधारित उद्योग भी लगेगा। इस सारी योजनाओं को पूरी दिशा दी गई है और आने वाले दिनों में ये नमक सबको मिलने लगेगा, लेकिन जब ये एक बड़ी कंपनी द्वारा जो योजना बनी, जो इससे इससे इसमें निपुण है, उसे ज्वाइंट वेंचर पर उसमें काम चला, जिसकी जिसकी जिसको अंतिम रूप दिया गया है पिछले बैठक में, तो आने वाले दिनों में पूरे हिमाचल को, पूरे उत्तर भारत को नमक की कमी न रहेगी। जिस पाकिस्तान आयात नमक को कई बार मंगाया जाता था, जब हमारा द्रंग का नमक, गुमा का नमक लोगों को मिलने लगेगा तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो आज इस बैठक में मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, अपने DC साहब का जिन्होंने इस बैठक को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और जिस तरह विकास योजनाओं को निपटाने के लिए, उनको घाट उतारने के लिए DC साहब प्रयत्नशील रहते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और माननीय विधायक आदरणीय कर्नल साहब का, आदरणीय जोहार ठाकुर का, इनका भी फिर जैसे धन्यवाद करता हूं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आज मंडी जिला की दिशा बैठक आज सम्पन्न हुई है और बैठक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअल बैठक के रूप में संपन्न हुई, जिसमें जिलाधीश मंडी श्री ठाकुर जी, सभी
विभागों के प्रमुख अधिकारीगण और हमारे सम्माननीय विधायक कर्णेंद्र सिंह जी, जवाहर ठाकुर जी, बाकी सभी अधिकारीगण इससे जुड़े। और जो केंद्र की योजना है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं शुरू कर रखी है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, उनकी बैठक, वो योजना धरातल पर ठीक लागू हुई या नहीं हुई, तमाम जानकारियां अधिकारियों द्वारा, भिन्न भिन्न विभागों द्वारा दी गई। और मैं बधाई दूंगा जिला मंडी कि तमाम अधिकारी, और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे, जिस तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी चाहते हैं, आज तमाम योजनाओं का क्रियान्वित हो रहा है। और आम जनता को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत, कई ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो जनता अपेक्षा कर रही थी, गरीब से गरीब व्यक्ति से दस्तक देकर जो जो आज आम व्यक्ति को लाभ दिया जा रहा है, आज उसके बारे में सारी जानकारी आई है। और मैं संतुष्ट हूँ, इस तमाम योजनाएं धरातल पर विद्युत लागू की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि देश की नौवीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो आज से 4 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्वीकृति दी थी कि छोटी काशी मंडी में कलर्स यूनिवर्सिटी खड़े, हमारे छात्र छात्राओं को शिमला जाना ना पड़े, आज एक बड़ी यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हुआ, इसकी क्लासें बैठी जा रही है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा बड़ा काम, जिस गुमा नमक के बारे में वर्षों से इंतजार कर रहे थे, मैं भी लंबी लड़ाई लड़ रहा था, आज वो धरातल पर उतरी है। आज गुमा की जो तरंग में दूसरी खान का भी खोल दी गई है और उसे नमक निकलना शुरू हुआ है। और आने वाले दिनों में नमक पर आधारित उद्योग और नमक पर्याप्त मात्रा में निकले, बहुत बड़ी कंपनी से ज्वाइंट वेंचर पर उसका कार्य आगे बढ़ा है। और ये उत्तर भारत को, पूरे देश को उसका नमक मिलेगा, ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इसकी भी अधिकारियों ने जानकारी दी है। तो आज की बैठक में यही विशेष था। और बाकी चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, तमाम चाहे हमारे जल शक्ति मंत्रालय की हर घर में नल जल बहुत बड़ी योजना, सारे काम तीव्र गति से चले हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार धन्यवाद।